गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं ऑफिस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, जो कि क्लास प्लस वन कॉमर्स के सब्जेक्ट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का एक लेसन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफिस मशीन्स होती क्या हैं। ऑफिस मशीन्स की बजाय अगर हम यूज़ करें नाम राइट टाइप ऑफ ऑफिस मशीन्स, देन इट इज़ बेटर। ठीक है कि इंस्टेड वी शुड यूज़ द वर्ड राइट टाइप ऑफ ऑफिस मशीन्स, जो क्या काम करेंगी, दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिस बाय इंक्रीजिंग स्पीड एंड एक्टिविटी एंड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमन लेबर मोनोटोनी एंड टायर्डनेस फैटिक एंड टेंशंस, कि जो इस तरह की जो हमारी चीज़ें हैं इनको डिक्रीज़ करके हमारी स्पीड एंड एक्टिविटी को इनक्रीज़ करे। तो ऑफिस मशीन्स या इनकी जो रेंज है वो सिंपल एक कैलकुलेटर से लेके बड़े मॉडर्न टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ तक है। कि जो मशीन्स हम बात कर रहे हैं वो एक सिंपल कैलकुलेटर भी हमारे लिए मशीन है, और जो बड़े हाई टाइप के जो मॉडर्न टाइप के हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या मशीन है। तो इनकी रेंज जो है स्मॉलेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक हो सकती है। सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑफिस मैनेजर टू सिलेक्ट राइट टाइप ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर द ऑफिस। तो मैनेजर की ये बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो एक अच्छी टाइप की जो मशीनरी है जो उसके ऑफिस के लिए एडिक्वेट है वो उसको सिलेक्ट करे। तो इसके हम आगे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस मशीन्स, कि जब भी ऑफिस मशीन्स को हम लेके आते हैं ऑफिस में तो उससे हमें क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। तो सबसे पहले बिना इसको हम देखे पहले अपने आप माइंड के अंदर सोचते हैं कि जब भी हम मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं तो एक तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है, एक लेबर की कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, एक हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है और वर्क की क्वालिटी भी जो इंक्रीज़ होती है। जो रेपिटेटिव टाइप के वर्क्स हैं खास तौर पे वहाँ पे जो मशीन्स हैं बड़ी ही हमारे लिए हेल्पफुल हैं, कि वहाँ पे जो वर्कर्स को जो उनको मोनोटनी सी फील होती है, टायर्डनेस या जो उनको टेंशन्स क्रिएट होती हैं, तो वो सारी दिक्कत जो है मशीन्स ख़त्म करती हैं। तो एक इसके अंदर क्या है, काम की एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी और फ्रॉड होने के चांस भी कम रहेंगे। तो इसमें क्या हमारी एडवांटेजेस आ गई कि ये सेव टाइम्स, कि मशीन जो वर्क करती हैं फास्ट स्पीड पे देन द ह्यूमंस, सो सेव टाइम्स, देन सेव लेबर, क्योंकि हमें पता है एक मशीन दो या दो से ज़्यादा वर्कर्स का काम परफॉर्म कर सकती है, इस तरह से हमारा वेजेस का जो बिल है वो भी डिक्रीज़ होएगा। एक्यूरेसी इनकी ज़्यादा होती है कि वर्कर तो जो है कभी ना कभी थक भी जाएगा और कभी ना कभी मिस्टेक भी कर लेगा, बट मशीन्स जो हैं ना तो टायर्ड होंगी और ना थकावट के कारण वो कोई गलती करेंगे। रिड्यूसेस द फ्रॉड्स, तो क्योंकि इसकी जो नेचर है नॉन ह्यूमन टाइप की है तो फ्रॉड इसमें अंदर मशीन्स के अंदर नहीं हो सकता। देयर आफ्टर अब हमारे पास आ गया, आगे इसके एडवांटेजेस हैं बेटर क्वालिटी, के वर्क की जो हमारी क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होएगी। रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होएगी, क्योंकि हमें पता है कि पहले इसकी जो स्पीड फास्ट है, लेबर कॉस्ट कम हो गई, ओवरऑल जो है इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिक्रीज़ होने के कारण हमारी ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या होगी, कम। रिड्यूसेस द मोनोटनी, तो मशीन्स जो है रिड्यूस करते हैं बोर्डम ऑफ वर्कर्स कॉस्ड बाय द रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क, कि जहाँ पे भी वर्कर्स हमारे रेपिटेटिव टाइप का काम करते हैं तो वहाँ पे वो बोरियत महसूस करते हैं, तो उसको दूर करने के लिए अगर हम मशीन्स इंस्टॉल करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिड्यूस द फैटिक, मशीन्स जो हैं रिलीव करते हैं वर्कर फ्रॉम द फिज़िकल एंड मेंटल फैटिक, तो एक उनकी जो वर्कर्स की जो उनकी थकावट है उसको भी ये मशीन्स दूर करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, डिस्कस ए फ्यू टाइप ऑफ ऑफिस मशीन्स, कि सिर्फ हम कुछ एक टाइप्स की मशीन्स इसमें करेंगे डिस्कस। इनमें से वैसे क्योंकि हमारी बुक्स पुरानी छपी हुई हैं, कुछ एक जो मशीन्स हैं आजकल ऑब्सोलीट भी हो चुकी हैं इनमें से, बट एक थोड़ा सा ब्रीफ रेफरेंस हमने इसका सभी का देखना है। तो जैसे कौन सी मशीन है इसको भी हम पहले माइंड के अंदर अपने आप सोच सकते हैं, कि हमारे ऑफिस के अंदर टेलीफोन लगा हुआ है, वहाँ पे फोटोस्टेट मशीन लगी हुई है, लैमिनेटिंग करने की मशीन्स लगी हुई हैं, टाइपराइटर्स पड़े हैं, कंप्यूटर पड़ा है, कैलकुलेटर पड़ा है, फैक्स मशीन पड़ी है, स्टेनोग्राफिक मशीन्स हैं। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मशीन्स हैं जो किसी भी ऑफिस के अंदर हमें अक्सर दिखाई देती हैं। तो वन बाय वन इनके बारे में हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, लिखा मैंने फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऐसी एक डिवाइस है जो कि मैसेज की ट्रू पिक्चर को सेंड करती है।
अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कोई मैंने सर्टिफिकेट या कोई फ़ोटोग्राफ या कोई और टेक्स्ट मैसेज हमने ऐसे के ऐसी सेंड करना है, तो उसके लिए ये टेलीफोन लाइंस की यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इसको हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी ही एक अच्छी टाइप की मशीन थी, बट आजकल और ज़्यादा मतलब कंप्यूटर के ऊपर ऐसे एडवांटेजेस आने के कारण, स्कैनर होने के कारण, तो इसकी आजकल ज़रूरत कम पड़ती है। दूसरा आ गया हमारे पास स्टेनोग्राफिक मशीन्स। स्टेनोग्राफिक मशीन क्या होती है कि एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कोडेड कीबोर्ड होता है या टाइपराइटर है जो कि शॉर्ट हैंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो टाइप करते हैं उनको वहाँ पे एक स्पेशल एक चीज़ होती है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में क्या है कि कोई भी जो मैसेज को है वो थोड़े से वर्ड्स के अंदर वो एक कुछ सिंबल्स की फॉर्म में नोट कर लेते हैं, बाद में उसको टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, आगे होते हैं, उसको कहते थे स्टेनोग्राफर्स का काम होता था ये। बट आजकल क्या है, स्टेनोग्राफर्स की बजाय क्या आ गई, स्टेनोग्राफिक मशीन्स आ गई हैं। तो उसके बाद आ गया हमारे पास टाइपराइटर। टाइपराइटर सभी ने देखा हुआ है कि क्या होता है टाइपराइटर, बट थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि टू टाइप द लेटर मैकेनिकली इंस्टेड बाय हैंड। लैमिनेटिंग मशीन्स, हम बाज़ार में लेमिनेशन करवाते हैं, वही लेमिनेटिंग मशीन्स हैं कि जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को पॉलिश्ड फॉर्म के अंदर ले आते हैं ताकि वो एक प्रोफेशनल सा लगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है, उसको हम कई सालों तक उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, देर आफ्टर इसके अंदर आ गया हमारे पास स्कैनर। तो स्कैनर का नाम मैंने पहले भी लिया था कि ये क्या करता है, कंप्यूटर के साथ में अटैच्ड है और ये हमारे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं या पिक्चर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है और सेव कर देता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। प्रिंटर्स, हमें पता है ये एक हमारी जो आउटपुट है उसकी हार्ड कॉपी या परमानेंट आउटपुट हमें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आ गया श्रेडर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। श्रेडर, SHREDDER, श्रेडर का मतलब क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है दैट कट द डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स सो एज टू थ्रो देम एज वेस्ट। इट दस हेल्प्स टू डिस्पोज सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स विदाउट डूइंग एनी पोल्यूशन। कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट भी हैं हमारे लिए और सेंसिटिव नेचर के हैं कि किसी और के हाथ में वो नहीं पड़ने चाहिए, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की अगर हम ब्रीक ब्रीक उसकी स्ट्रिप्स काट दें किसी मशीन की हेल्प से, बिल्कुल उसकी कतरन बना दें ताकि वो रेडिबल फॉर्म के अंदर ना रह जाए। ठीक है, तो वो मशीन का नाम क्या है, श्रेडर। ठीक है, तो ये जो उसकी पुरानी ब्रीक कतरन बनती है इसको हम पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ भी कर सकते हैं किसी क्रॉकरी को टाइप करने के लिए या फ्रूट्स की जो पेटियां होती हैं उसके अंदर वो डालने के लिए। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर पता है ये भी हमें कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक एनलार्ज्ड व्यू देती है किसी स्लाइड का या फिल्म का एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो फैसिलिटेट करता है हमें लार्ज गैदरिंग ऑफ व्यूअर्स। एक आ गया कैलकुलेटिंग मशीन्स, ये सिंपल कैलकुलेटर की बात हो रही है। उसके बाद आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रिसीव करती है इनपुट को, देन प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो ये था हमारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मशीन्स की डेफिनेशन। और उसके बाद अब हमारे पास आ गया कि उसमें से स्पेशलाइज्ड कि व्हाट आर स्टेनोग्राफिक मशीन्स, इसकी क्या एडवांटेजेज हैं, स्टेनोग्राफिक मशीन्स क्या होती हैं। तो स्टेनोग्राफिक मशीन्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। जो ओल्ड टाइम में पहले होते थे स्टेनोग्राफर्स, एक तरह के हमारे एम्प्लॉयज़ होते थे टाइपिस्ट से थोड़ा सा सुपीरियर, तो वे किस तरह से काम करते थे। बिफोर स्टेनोग्राफिक मशीन्स कॉमन प्रैक्टिस क्या होती थी, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट टेक द डिक्टेशन इन हिज नोटबुक एंड ट्रांसक्राइब इट इन द लेटर्स टू बी रेडी फॉर सिग्नेचर। कि पुरानी हमारी प्रैक्टिस क्या होती थी, पहले स्टेनोग्राफर्स होते थे जिसको हम शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट भी कह देते थे, तो उनका काम क्या होता था कि वो मैनेजर से डिक्टेशन ले लेते थे अपनी नोटबुक के अंदर बड़ा क्विकली कुछ सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड उसके बाद वो टाइपराइटर के ऊपर बैठ के उसको ट्रांसक्राइब करते थे शब्दों में, कि अब उसकी एक वो लेटर टाइप कर लेते थे बाद में जो कि रेडी हो जाती थी विद इन 10 मिनट्स, अब वो सिग्नेचर साथ के साथ मैनेजर के हो जाते थे, तो इस तरह से वो जल्दी से जल्दी काम हो जाता था। बट अब क्या है कि नाउ स्टेनो मशीन्स आ गई हैं
उन्होंने इस प्रोसेस को और ज़्यादा इजी और कन्वीनिएंट बना दिया है। वो कैसे वर्क करती हैं कि अब जो मैनेजर है, मैनेजर को स्टेनोग्राफर की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना जो मैसेज है रिकॉर्ड कर लेता है, उस रिकॉर्डेड मैसेज को आगे अपने सिंपल टाइपिस्ट को भेज देता है, फिर वो टाइपिस्ट जो है उसकी आवाज़ जो रिकॉर्डेड आवाज़ है उसको सुन के लेटर टाइप कर देता है। तो अब टाइपिस्ट के लिए बड़ा आसान हो गया कि उसको पता है कि जितनी मर्ज़ी मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करके या उसकी जो रिकॉर्ड की स्पीड आगे पीछे करके उसको मैं टाइप कर सकता हूँ, उसकी स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मैनेजर के लिए इजी कैसे हो गया कि अब उसको पता है कि मैं जब मर्ज़ी चाहे रात के टाइम या किसी भी टाइम पे जब उसको कोई याद आया कोई मैसेज, तो उसी वक्त वो रिकॉर्ड कर सकता है और सेंड कर सकता है टाइपिस्ट को। अगली बात क्या है कि अब हमें स्टेनोग्राफर की बजाय अगर हम सिंपल टाइपिस्ट रख लें जिसकी जो वेजेस बिल है वो कम होंगे, उसमें भी फ़ायदा है। तो तीनों लेवल के ऊपर हमारे फ़ायदा है कि कॉस्ट भी कम लगेगी, मैनेजर को कन्वीनियंट हो गया, और जो टाइपिस्ट है उसको इस तरह से कन्वीनियंट हो गया कि वो जब चाहे मर्जी रिकॉर्ड की जो स्पीड है कम ज़्यादा करके अपने आप उसको टाइप कर सकता है। तो हेयर ऑफिस कैन रिकॉर्ड दिस मैसेज फॉर एट मैसेज एट हिज कन्वीनियंस, ठीक है, एंड सेंड टू द टाइपिस्ट फॉर मेकिंग द लेटर्स। मेरिट्स क्या हैं कि मैसेज कैन बी रिकॉर्डेड इन द एब्सेंस ऑफ स्टेनो, ए टाइपिस्ट कैन रिप्लेस स्टेनो, के सिंपल टाइपिस्ट हम रख सकते हैं, स्टेनो को हटा सकते हैं, इस तरह से हमारा सैलरी का बिल कम हो जाएगा। मैसेज कैन बी रिकॉर्डेड एट अवर कन्वीनियंस, के मैसेज को हम जब मर्जी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्पीड जो है उसकी टेप की रिकॉर्ड की उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ टाइपिस्ट। फिर अवॉइड डिस्टर्बेंस कास्ट बाय द रैंडम विजिटर्स टू द स्टेनोग्राफर्स, एक साथ में जो विजिटर्स लगातार आके बार बार बीच में से परेशान करते थे स्टेनोग्राफर को, वो परेशानी ख़त्म। कि अब जो टाइपिस्ट है वो रिकॉर्ड को उस वक्त बंद कर देगा और उसके बाद फिर टाइप कर लेगा। तो इस तरह से इसकी अब मशीन की काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं। तो अब लास्ट इस लेसन का हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया कि डुप्लीकेटिंग मशीन्स क्या होती हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है डुप्लीकेट का मतलब कि एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, जैसे हम आजकल फोटोस्टेट मशीन्स लगाते हैं। तो फोटोस्टेट मशीन आने से पहले क्या प्रोसीजर था, वेरी ओल्ड टाइम के अंदर क्या प्रोसीजर था, कैसे हम एक ही डॉक्यूमेंट की और कई सारी कॉपीज तैयार करते थे, तो इसको हम देखते हैं कि डुप्लीकेटिंग मशीन क्या होती हैं। मशीन्स विच प्रोवाइड ए नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देखते हैं कि ओल्ड टाइम के अंदर क्या था। पहले जिलेटिन डुप्लीकेशन, जिलेटिन क्या होती है, एक सेमी सॉलिड सा जैसे हमारा जो चीज़ होता है पनीर होता है ना, पनीर की तरह एक ऐसा मटेरियल है जिसको वो लिक्विड फॉर्म में पहले तैयार करते थे, बाद में एक ट्रे के अंदर डाल लेते थे खुली में, जो कि सेट हो जाता था उसके ऊपर जैसे पनीर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर वो क्या करते थे, प्रेस करते थे एक जो मास्टर कापी है हमारे मैसेज की, ठीक है, और विद इंक साथ में डाई लगी होती थी उसमें। जब उसको हम प्रेस करते थे तो उस जिलेटिन के ऊपर एक सांचा सा बन जाता था, एक मोल्ड उसकी बन जाती तैयार हो जाती थी, और उसके बाद हम एक सिंपल प्लेन पेपर को जब उसके ऊपर प्रेस करते थे तो वो सेम मैसेज प्लेन पेपर के ऊपर आ जाता था। तो इस तरह से हम बार बार प्लेन पेपर लगा के कई सारे मैसेज उसमें बना सकते थे। सो ओल्डेस्ट टाइप है ये वाली, कि हेयर ए मास्टर कॉपी प्रिपेयर्ड एंड प्रेस्ड ओन ट्रे हैविंग जिलेटिन, के मास्टर कॉपी बना के एक ट्रे के ऊपर हम उसको प्रेस करते हैं जिसके अंदर जिलेटिन रखी हुई है, और इसमें साथ में डाई भी लिखना है आपने कि प्रेस्ड ऑन ट्रे विद डाई, ठीक है। नाउ बाय प्रेसिंग द प्लेन पेपर, अब उसके बाद हमने क्या करना, प्लेन पेपर को उस जिलेटिन के ऊपर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक नेक्स्ट कॉपी हमें फिर उसकी मिल जाएगी। देर आफ्टर अब एक नई टेक्निक आ गई मल्टीग्राफ। तो मल्टीग्राफ क्या है, एक तरह से समझ लो कि सिंपल छोटी सी मैनुअल प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, जहाँ पे जो है जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले वो सेट करते हैं वर्ड्स उसके अंदर कि कौन सा मैसेज है, तो उस तरह से वो सेटिंग करनी पड़ती है वर्ड्स की बाय द हैंड। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्टेंसिल स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेंसिल स्कैनर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है, फोटोकॉपी से भी सस्ता पड़ता है, और ये प्रिपेयर किया था एक साइंटिस्ट था गैस्टेटनर, ठीक है, तो इसको गैस्टेटनर स्कैनर भी कहते हैं। सो
इट इज़ वेरी यूजफुल एंड वर्सेटाइल, कि इसको आज भी इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सो जो मेरे को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, मैंने लगभग सारे इसमें पॉइंट्स इस लेसन के अंदर शॉर्ट फॉर्म में कवर किए। सो इफ़ यू डू इट, वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स।